जम्मू पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीधे लिए चलते हैं। आज फिर एक बार ये मंदिरों की नगरी में आने का मुझे मौका मिला है। उस वक्त मैं सबसे पहले माँ वैष्णो के चरणों में प्रणाम करकर मेरे श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज 23 जून श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आज पश्चिम बंगाल अगर देश के साथ जुड़ा है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण जुड़ा है। और पूरा देश जानता है कि आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में पूरा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। धारा 370 निरस्त हुई है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद जी का बलिदान और उनका हौसला और संकल्प। ये महापुरुष थे, 1953 में देश के उद्योग मंत्री ये नाते इस्तीफा दिया जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई, इसका विरोध किया और कहा इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, धोखे से अरेस्ट कर लिया गया, परमिट नहीं है करता। अरे भला अपने देश में जाने के लिए कौन सी परमिट? और हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है, मगर मैं जानता हूं श्यामा प्रसाद जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। और मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुकुट मणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पूरा देश ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, उनके ऋण का स्वीकार करते। मित्रों, आज कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए आज मैं यहां आया हूं, तब मोदी जी की सरकार के 9 साल समाप्त हुए हैं। ये 9 साल में भारतीय जनता पार्टी अभी एक महाजन संपर्क अभियान चला रही है। वो जन संपर्क अभियान में हमने 9 साल में देश कहां से कहां पहुंचा इसकी बात करनी है। मित्रों, मैं एक ही बात करता हूं, मोदी जी ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार वाली यूपीए सरकार की जगह 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं कर सकता, ऐसी सरकार चलाई है। और इस देश में से भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए तिलांजलि देने की शुरुआत की। उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, इस देश का उत्कर्ष किया है और इस देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में ढेर सारी सुविधाएं, जिसका गरीब आदमी 70 साल से राह देख रहा था, उसको पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।